कुरुक्षेत्र में 26 तारीख को दलित सम्मेलन होगा और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल वो शिरकत करने जा रहे हैं। क्या मजबूरी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को आनन फानन में चुनावी माहौल में दलित महासम्मेलन करना पड़ा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री के पूर्व चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया। कटारिया साहब स्वागत है। सर नमस्कार। क्या जरूरत पड़ी, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में बिगुल बज चुका है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, आनन फानन में दलित महासम्मेलन बुलाना पड़ा। पहले तो आप नोट करिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी 24 आवर चुनावी मोड में होती है। ये नहीं कि चुनाव आए तभी हम सम्मेलन कर रहे हैं। आप नोट करिए, 10 साल का कार्यकाल हमारा, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर इस प्रकार के सम्मेलन, इस प्रकार की रैली, इस प्रकार के वो करती रहती है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने गलत हथकंडे अपनाकर झूठ बोलकर एक भोले भाले समाज को बरगलाने का काम किया, उसका पर्दाफाश करने के लिए, कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए, उनके नेताओं का पर्दाफाश करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके और बताना भी आवश्यक होता है। लेकिन यह सम्मेलन एक अलग सम्मेलन है, इसका नाम दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह है। यह बुलाया नहीं गया, यहाँ पर लोग अपने आप आए। कोने कोने से दलित समाज के लोग, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, एलनाबाद से लेके फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेके आखिरी छोर नरवाना, जींद, आसी, हिसार, यहाँ से कोने कोने से लोग, महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर आएंगे और इस प्रकार से महिलाएं नाश्ती गाती हुई आएंगी, एक संकल्प कलश लेके, और प्रत्येक ज़िले से 21-21 महिलाएं कलश लेके आएंगी और मनोहर लाल जी को देंगी एक सम्मान स्वरूप कलश कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित समाज जाग खड़ा हुआ है। मेरा ध्येय सिर्फ एक है, एक ऐसे संत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उसको संत की संज्ञा इसलिए देता हूँ कि आज तक के मुख्यमंत्रियों का आप आकलन कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी का आकलन कीजिए, हजारों हजारों करोड़ के आदमी हैं, कोई ईडी के, कोई सीबीआई के, कोई किसी के चक्कर काट रहा है, लेकिन मनोहर लाल जी एक ऐसे आदमी हैं जो 5 जोड़ी कपड़ा लेके यहाँ से मुख्यमंत्री का पद छोड़ के स्वेच्छा से अपने आप 5 जोड़ी कपड़ा लेके दिल्ली चले गए और प्रॉपर्टी के नाम पर उनका जो घर था वो भी जनता को समर्पित कर दिया। वो राजनीतिक संत मैं उसको संज्ञा देता हूँ और मैं उस संत की सेवा में पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े। तो ये थे पूर्व चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया। कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दलितों पर अत्याचार किया, उनको जवाब देने के लिए अब 26 तारीख को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन होगा और जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिरकत करेंगे और उस कांग्रेस पार्टी का जवाब दिया जाएगा जिन्होंने 10 साल जब हरियाणा प्रदेश में राज किया तो दलितों पर किस प्रकार से अत्याचार किया। अशोक यादव, न्यूज 18।